पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के साथ क्या संबंध है। आज हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन और मनोविज्ञान का क्या संबंध है। मनोविज्ञान मन के अध्ययन का विज्ञान है। यद्यपि द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद मनोविज्ञान शब्द के स्थान पर हम व्यवहार विज्ञान का शब्द प्रयोग करने लगे हैं, इसका झुकाव संगठनात्मक व्यवहार के अध्ययन की ओर अधिक दिखाई देता है। मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति के मन और उसकी क्रियाकलापों जैसे भावनाओं, मनोवेगों, मनोवृत्तियाँ, ज्ञान, सीखने की प्रक्रिया आदि का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान का केंद्रीय विषय व्यक्तित्व और व्यक्ति की मानसिक स्थितियाँ हैं। मनोविज्ञान में मनुष्यों सहित अन्य जीवों के मन का व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है, लेकिन हम यहाँ केवल मानव व्यवहार के संदर्भ में ही बात करेंगे। मनोविज्ञान मन का सकारात्मक और अनुभव मूलक विज्ञान है। कई विद्वानों ने इसे चेतना का विज्ञान माना है। मनोविज्ञान मानव की उन आंतरिक शक्तियों का अध्ययन करता है जो मानव अपने जीवन में अनुभव करता है, विचार करता है या इच्छा करने की शक्ति प्रदान करता है। सामाजिक विज्ञानों को प्राकृतिक विज्ञानों के समकक्ष लाने में कठिनाई तो आती है, परंतु मानव मन व्यवहार और मानवीय अंतःक्रियाओं का अध्ययन विषयों के अंतर्गत किया जाता है ताकि समाज और व्यक्ति के अंतर संबंधों का खुलासा किया जा सके। अब हम समझेंगे मानव विज्ञान और प्रशासन में क्या अंतर संबंध है। मनोविज्ञान को समझे बिना हम प्रशासकीय व्यवहार और संगठनात्मक अंतर संबंधों का विश्लेषण करना कठिन है। प्रशासन का अपना एक विशिष्ट मनोविज्ञान होता है जो उससे संबंधित राष्ट्र के ऐतिहासिक क्रम, सांस्कृतिक मूल्यों, धर्मों, व्यवस्थाओं आदि के अनुरूप उसका विकसित होता है। भारतीय प्रशासन व्यवस्था में व्याप्त अकर्मण्यता, अनुत्तरदायित्व, लालफीताशाही, भ्रष्टाचार, अकार्य कुशलता आदि की समस्याएं लोक सेवकों की एक मानसिकता का पर्याय है। लोक प्रशासन तथा मनोविज्ञान के संबंध को प्रमाणित करने के लिए सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो, प्रबंध मनोवैज्ञानिक डगलस मैक्रेगर, क्रिस आर्ग्रेस, फ्रेडरिक हर्जबर्ग के सिद्धांतों का महत्वपूर्ण योगदान है। लोक प्रशासन और मनोविज्ञान के कुछ संबंधों की व्याख्या हम निम्न बिंदुओं से कर सकते हैं। पहला, लोक प्रशासन यदि एक कला है तो निस्संदेह यह एक मानसिक प्रक्रिया से संबंधित है। प्रशासक जन्मजात होते हैं तथा प्रशिक्षण के द्वारा उन्हें कुशल प्रशासक हम तैयार कर सकते हैं। दोनों ही स्थितियों में प्रशासकों का मनोविज्ञान समझना महत्वपूर्ण है। दूसरा, लोक प्रशासन के कुछ प्रमुख सिद्धांत जैसे नेतृत्व, नियंत्रण, मनोबल, अभिप्रेरणा, निर्णय, उत्तरदायित्व, पर्यवेक्षण सामान्यतः मनोविज्ञान पर आधारित हैं। मनोविज्ञान की सहायता के बिना प्रशासनिक व्यवहार संभव नहीं है। तीसरा, कार्मिक प्रशासन की सब प्रमुख और गंभीर समस्या भरती है। योग्य कार्मिकों का निष्पक्ष चयन सदैव संभव नहीं हो पाता, इसलिए व्यक्ति के कार्मिक के गुणों और अवगुणों का आकलन किया जाता है। लोक प्रशासन के सम्मुख राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, कार्मिक व्यवहार को भी समझा जाता है। लोक प्रशासन की परंपरागत विचारधारा के मान्यताओं को अप्रासंगिक करने वाला एक व्यवहार मानव संबंध विचारधारा है जो हर्तन प्रयोगों को के बाद में समझ में आया था और उसको हमने समझा था। विकास प्रशासन की प्रगति भी जन सहभागिता पर आधारित है।